नमस्कार, आप देख रहे हैं केकेआर न्यूज। में हूं आपके साथ कंचन सिंह राजपूत। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। 14 फरवरी को देश के लिए काला दिन था, जब पुलवामा में देश के 40 वीर सपूत आतंकवादी के कायराना हमले में शहीद हो गए थे। उनकी शहादत को लेकर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के द्वारा रांची के दर्शन सिंह तिराहे पर 39 वीर सपूतों को शहादत को नमन करते मोमबत्तियां जलाकर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई, जहां ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के सदस्य ने कहा कि 14 फरवरी 2019 को पुलवामा में हमारे देश के 40 वीर सपूत देश के लिए शहीद हो गए। उन देश के वीर सपूतों की शहादत को याद करते हुए आज ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के प्रत्येक सदस्य ने श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए नमन किया गया। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। हमारे भारत के शहीद सेना के जवान पुलवामा में आज से 3 वर्ष पहले शहीद हो गए थे अपने देश की रक्षा करते हुए। आज हम सभी कांग्रेस जन इस जगह पर उपस्थित हुए हैं और हम अपनी विनम्र श्रद्धांजलि भारत के उन शहीदों को देते हैं। हमारे बीच लोग फरवरी 2019 को पुलवामा में हमारे जवान शहीद हुए थे, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए कांग्रेस के सभी साथी दर्शन तिराहे पर एकत्रित होकर उन शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की और उनको नमन किया। भारत माता की जय, वीर सपूतों की जय। अभी के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।